वेलकम टू सिनेब्रिटी, सब टीवी का सबसे पसंदीदा सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कुछ ऐसा देखने को आपको मिलने वाला है जो गोकुलधाम सोसाइटी के इतिहास में अब से पहले कभी नहीं हुआ। बबीता जी पहली बार जेठालाल से नाराज हो गई है। बबीता जी का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो तो अब जेठालाल की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अब तक की कहानी में आपने देखा होगा कि बबीता और अय्यर जेठालाल को 100 टैबलेट का ऑर्डर देते हैं और कोरोना वायरस की वजह से जेठालाल का बिजनेस ठप पड़ चुका है और भोगीलाल ने जेठालाल को पेमेंट करने से भी मना कर दिया है। ऐसे में बबीता जी की तरफ से ऑर्डर आने के बाद ने जेठालाल की खुशी सातवें आसमान पर जाकर पहुंचती है और वो बात अलग है कि जेठालाल इस मुश्किल समय में 100 टैबलेट का इंतजाम करने में नाकामयाब हो जाता है। जब ये बात बबीता जी को पता चलती है तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचता है। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बीते एपिसोड में आपने देखा होगा बबीता जी जेठालाल को जमकर खरी खोटी सुनाती है और ऐसे में जेठालाल बबीता जी से माफी भी मांगता है लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होता है। वही अय्यर जेठालाल को अपने घर से धक्के देकर निकाल देता है। वही बबीता भी गुस्से में आकर जेठालाल के फूलों के गुलदस्ते को घर से बाहर फेंक देती है। बबीता जी की बेरुखी देखकर जेठालाल का तो दिल टूट जाता है। बबीता जी का गुस्सा शांत करने के लिए जेठालाल एक बड़ा कारनामा करने वाला है। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जेठालाल मदद मांगने के लिए अपने परम मित्र तारक मेहता के पास दौड़ा दौड़ा जाएगा। जेठालाल अपना दुखड़ा तारक मेहता, भीड़े और सोड़ी को सुनाएगा जिसके बाद ये चारों मिलकर भोगीलाल से पैसे निकलवाने की प्लानिंग करेंगे। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि तारक मेहता और जेठालाल भोगीलाल से अपने रुपए कैसे निकलवाएंगे। तो दोस्तों इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की टीवी से जुड़ी और भी ताज़ा अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।